एविक्शन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मेकर्स प्लान कर रहे हैं एक बड़ा ट्विस्ट। तो क्या हो सकता है ये ट्विस्ट और क्या रही है खबर, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पे बताऊंगी। दरअसल हम आपको बता दें कि जिस तरीके से इस हफ्ते सिर्फ 4 सदस्य कॉन्टेस्टेंट नॉमिनेटेड हैं, उसमें नील को सबसे कम वोट मिले हैं। लेकिन नील इतनी आसानी से बाहर चला जाए ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन अगर मेकर्स नील को निकालते हैं तो ये क्लियर मैसेज चला जाएगा कि शो में आपकी पॉपुलैरिटी के अलावा शो में आप क्या कर रहे हैं, कैसा योगदान दे रहे हैं, ये भी मायने रखता है। तो यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट जो है हमें एलिमिनेशन में देखने को मिल सकता है। या तो ऑडियंस वोट के हिसाब से नील को निकाला जाएगा, नहीं तो हम आपको बता दें कि यहां पर अब ये भी हो सकता है कि कॉन्टेस्टेंट के वोट के आधार पर जो है ये बोला जाए कि भाई आप लोग वोट आउट कीजिए कि अगर ये 4 नहीं तो और कौन से सदस्य है जो जाना डिजर्व करता है। हो सकता है कि रिंकू जो है उनका भी एलिमिनेशन हो सकता है, ये खबरें आ रही हैं। हालांकि इसको लेकर किसी तरह का कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन मेकर्स जो है एविक्शन को लेकर एक बड़ा ट्विस्ट प्लान कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में डिजर्व नहीं करते हैं नील शो में रहना? मैं बहुत सरप्राइज हूं कि गुम है इन्होंने इतना बड़ा शो किया है, उससे भी बड़ा नील की अपनी फैन फॉलोइंग, ऐश्वर्या की अपनी फैन फॉलोइंग, और ऐसे में अगर नील बाहर आ जाता है तो फिर ये अपने आप में क्लियर मैसेज है कि आपकी फैन फॉलोइंग भी आपको तभी सपोर्ट ज्यादा करेगी जब आपका कुछ तो गेम प्ले दिखे। तो ये अक्सर देखा गया है कि टीवी एक्टर्स की फैन फॉलोइंग उनका रियल देखकर उसके बाद करती है, और जो सोशल मीडिया स्टार्स हैं वो तो जैसे बाहर है वैसे ही अंदर है। तो वो मतलब लॉयल फैंस होते हैं, वो करते ही करते हैं। हमने एमसी स्टैन के केस में देख लिया। मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो विनर के लायक नहीं था, मेरा ये कहना है कि उसने गेम इतना नहीं खेला था जितना बाकी कॉन्टेस्टेंट ने खेला, लेकिन एमसी स्टैन के फैंस इतने लॉयल है कि उसको सपोर्ट करते जैसे अभी अनुराग के कर रहे हैं। हमने एल्विश के भी देखा, अभिषेक में देखा। तो अब ये खबर आ रही है कि हो सकता है कि नील नहीं तो घर के वोट के आधार पर रिंकू का एलिमिनेशन हो सकता है। तो आप क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं।